हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। ऑल्दो यूजीसी नेट की जो साइट पर डेट आ रही है कि मार्च अप्रैल में एग्जाम हो सकता है, तो अभी हम कंफर्म तो नहीं कर सकते, बट आप सभी जानते हो कि अगर एग्जाम मार्च में कंडक्ट होता है तो एटलीस्ट फैब के फर्स्ट वीक में नोटिस आ जाएगा। तो अभी सिर्फ और सिर्फ आप अपनी तैयारी पे फोकस करें। एग्जाम तो होगा मार्च में, तो हम तो उम्मीद कर रहे हैं जून में होगा, तो वो जब भी होगा हमें एग्जाम क्रैक करना है। इस टारगेट के साथ आप तैयारी स्टार्ट करें। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं पेपर वन का एक टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिसर्च एथिक्स यूनिट नंबर टू, जो हमारे यहाँ रिसर्च एप्टीट्यूड है उसका एक टॉपिक है और अक्सर एक क्वेश्चन इसमें निकल के आता है। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, आने वाले 15 मिनट में आप एंड तक वीडियो को जरूर देखें। उम्मीद है आपका एक क्वेश्चन हम इसमें तैयार कर लेंगे। और ऑनलाइन एडमिशन हमारे स्टार्ट हैं, जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं कमिंग अटैम्प्ट के लिए, वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर पे बात कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको पेपर वन, पेपर टू, स्टडी मटेरियल, वीडियोस विद ए न्यू एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के अंदर आपको वो सारे फीचर मिलेंगे जो आपको एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए होंगे। चाहे वो मॉक टेस्ट है, चाहे वो MCQs है, चाहे वो डाउट सेशन है, चाहे वो क्लासेस की बात करें, बहुत ही यूनिक वे में आपको हम उसमें करवाएंगे। तो एक बार आप ऐप पे यू विजिट करें और उसका लिंक भी एप्लीकेशन का नीचे आपको दिया गया है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक। एज आई सेड, हम आज करने जा रहे हैं रिसर्च एथिक्स। तो सबसे पहली बात, एथिक्स जो टर्म है वो आई कहां से है, उसके लिए देखें आप, एथिक्स जो वर्ड है वो लिया गया है इथोस। इथोस मीन्स कस्टम्स और कन्वेंशन, जो हमारे ट्रेडिशनल कल्चर में कस्टम कह लो, परंपराएं जो हमारी होती हैं उसको क्या बोलते हैं, रिसर्च एथिक्स, सॉरी इथोस। अब यहां पर क्या होगा, बहुत सारे मॉरल प्रिंसिपल्स हैं जो एक इंसान के बिहेवियर को कवर करते हैं, गवर्न करते हैं। हम ये देखते हैं कि क्या सही है और क्या रॉन्ग है। तो रिसर्च एथिक्स के अंदर भी कुछ ऐसा ही हम करें जा रहे हैं कि मॉरली क्या राइट और क्या रॉन्ग है, इसकी पहचान अगर आपको हो गई रिसर्च के दौरान तो वो क्या कहलाएगा, रिसर्च एथिक्स। बेसिकली यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। आपके रिसर्च प्रोसेस के दौरान कुछ गलत या सही की पहचान अगर आपको होती है तो हम एथिक्स की बात करते हैं, इसकी हम डिटेल में बात करते हैं। सही मायने में हम ये कह सकते हैं, रिसर्च की वो गाइडलाइंस, ए सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट हेल्प द रिसर्चर, किस लिए, टू कंडक्ट द रिसर्च सक्सेसफुली। आपकी रिसर्च को सक्सेसफुली कंडक्ट करने के लिए जो गाइडलाइंस मॉरली लागू होती हैं हर रिसर्चर के ऊपर, वो होता है रिसर्च एथिक्स। और मैं डिटेल की बात करूं कहां कहां अप्लाई होगा चीजें, देखें आप, अगर हम रिसर्च के प्रोसेस की बात करें, सपोज मैंने कहा सब कम्स फ्रॉम द डाटा कलेक्शन, देन उसका इंटरप्रिटेशन, देन रिपोर्ट का पब्लिकेशन, थीसिस, या एक बहुत इंपॉर्टेंट आप सुनते होंगे वर्ड प्लैगरिज्म, यूनिवर्सिटीज में आजकल बड़ा कॉमन है प्लैगरिज्म, पहले चेक करना पड़ता है, एक सर्टेन लेवल के ज्यादा अगर आपका प्लैगरिज्म है तो वो रिसर्च थीसिस आपकी सबमिट नहीं होंगी। प्लैगरिज्म को लेकर भी मैंने एक पूरा वीडियो डाल रखा है, आप उसको देख सकते हो। इसमें सिंपली हम ये कह सकते हैं कट कॉपी पेस्ट का जमाना चला गया है, अब आपको रिसर्च करनी है, चाहे आप PhD करें, चाहे आप रिसर्च पेपर लिखें, चाहे आप MPhil के लिए डिसर्टेशन करें, यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, फाइन। तो ये तो बात आ गई आपके एथिक्स की। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक नई चीज जो शायद आपने ना की हो, वो हम करेंगे अप्रोचेस। दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू। सबसे पहली अप्रोच जो हम बोलते हैं साहब, डेंटोलॉजिकल अप्रोच। अप्रोचेस का फंडा क्या है कि तीन तरह की अप्रोच हम पढ़ेंगे। फर्स्ट अप्रोच जो कहती है वो कहती है सब हमें क्या करना चाहिए, आइडेंटिफाई एंड यूज ए यूनिवर्सल कोड। जब भी आप एथिकल डिसीजन लेने जाएंगे तो आप एक यूनिवर्सल कोड, यानी जो सभी के लिए सही है और सभी के लिए गलत है। जैसे मैं आपको कहूं एग्जांपल के तौर पे, मर्डर एंड स्टीलिंग, इट इज कंप्लीटली अनएथिकल इन एवरी काइंड ऑफ कल्चर एंड कस्टम। चाहे हम इंडिया की बात करें, चाहे हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, हर जगह हम मानते हैं कि किसी को मारना या चोरी करना ये यूनिवर्सली अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं। वी शुड नॉट फॉलो दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस। दिस इज कॉल्ड डेंटोलॉजिकल अप्रोच। यानी हम पहली अप्रोच को पढ़ते हैं कि हम उन चीजों को सही मानेंगे जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, सभी के लिए सत्य है वो, ठीक है। दूसरी अप्रोच थोड़ी इससे अलग है, उसको क्या बोलते हैं सब, एथिकल सेप्टिज्म। एथिकल सेप्टिज्म क्या कहता है कि सब रिसर्च के जो एथिक्स है ना, जो एथिकल स्टैंडर्ड है, वो यूनिवर्सल नहीं है।
बट दे आर सब्जेक्टिव, रिलेटिव टर्म है ये। हर किसी के अपने सिद्धांत अलग हो सकते हैं। हो सकता है मुझे जो अच्छा लग रहा है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना। जैसे हमारा इंडिया ज्योग्राफिकली इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा आपके सामने। एक रिलीजन के अंदर मान लीजिए मैंने बोला साहब सिखिज्म, वहाँ पर नॉनवेज को इतना बुरा नहीं मानते, बट अगर दूसरा रिलीजन जैनिज्म की बात करें तो उसको बहुत बुरा मानते हैं। यानी एक के लिए एथिकली रॉन्ग है, एक के लिए राइट है। वी कांट लाइक एक हम बॉर्डर लाइन नहीं बना सकते, कि यूनिवर्सल कोड नहीं बना सकते। अगर डेंटोलॉजिकल है तो सभी के लिए सही, सभी के लिए गलत होगा। पर दूसरी अप्रोच जो कहती है साहब, जो एथिकल सेप्टिज्म है वो ये बोलता है कुछ चीज़ें हम यूनिवर्सली सेट नहीं कर सकते, ये बेसिकली रिलेटिविज्म है। पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं चीज़ें, किसी के लिए कुछ चीज़ अच्छी है तो किसी के लिए कुछ चीज़ बुरी भी हो सकती है। थर्ड, थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच है ये, इसको बोलते हैं यूटिलिटेरियन, यूटिलिटेरिज्म। नाउ व्हाट दिस सेज कि साहब जो भी आपको डिसीजन लेना है रिसर्च के अंदर सही या गलत का, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, पहले उसका पूरा एग्जामिनेशन करना चाहिए और कंपैरिजन करना चाहिए दो चीजों का। दो चीजें कौन सी हैं कि मैं अगर ये कंडक्ट करूंगा, मैं ये रिसर्च में प्रैक्टिस करूंगा, उसकी कॉस्ट क्या है और उसका बेनिफिट क्या है। अगर बेनिफिट ज्यादा है कॉस्ट से, अगर बेनिफिट ज्यादा है कॉस्ट से, यानी हमारी यूटिलिटी बन रही है, तो हम उसको सही मानेंगे, अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज ए रॉन्ग। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच है, क्योंकि रिसर्च के अंदर हम सब समझते हैं वी नीड टाइम, मनी, एनर्जी, बहुत कुछ चाहिए होता है। तो हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके चले कि क्या कॉस्ट होगी, क्या इसके अगेंस्ट बेनिफिट होंगे, वो सब हमें पता होने चाहिए। अगर बेनिफिट कहता, अगर एक्सपेक्टेड बेनिफिट ज्यादा है एक्सपेक्टेड रिस्क से, तो द स्टडी इज प्रज्यूम्ड टू बी एथिकल, तो ये माना जाएगा स्टडी आपकी एथिकल है। अब ये तो था तीन कॉमन अप्रोचेस। उसके अलावा कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ऑल्दो आप अगर किसी बुक को रेफर करेंगे देर आर मेनी प्रिंसिपल्स, बट अगर हम नेट के एग्जाम की तैयारी करें तो हम कुछ सिलेक्टेड प्रिंसिपल जो सभी को कवर करते हैं, तो कुछ मैंने पॉइंट्स लिए हैं आपके लिए। प्रिंसिपल्स ऑफ रिसर्च एथिक्स, कौन कौन से इसके सिद्धांत हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, चाहे आप मास्टर लेवल की डिसर्टेशन लिख रहे हैं एमफिल के लिए, चाहे आप पीएचडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, दो चीजों की बात आपको ध्यान रखनी है। डू गुड, जिसको हम बोलते हैं बेनिफिसेंस। हम कोई भी ऐसा काम, यानी हम वो काम करेंगे जो सबके लिए फायदेमंद हो, सोसाइटी के लिए, इन पब्लिक जनरल के लिए, रिसर्चर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, सभी के लिए जो बेनिफिशियल हो, डू गुड। सेकेंड आता है डू नॉट हार्म, ठीक है, दिस इज कॉल्ड नॉन मल्फिसेंस। क्या किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी कंडक्ट नहीं होना चाहिए जो किसी को नुकसान पहुंचाता हो। और दूसरा, हमें वो सभी काम करने हैं जो सोसाइटी में यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। तो दो प्रिंसिपल्स पे टिका हुआ है, वन इज डू गुड, सेकेंड वन इज डू नॉट हार्म। अब हार्म हम किस तरीके से करते हैं रिसर्च के अंदर, मेंटली फिजिकली, वो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, तो उनको लेकर हम बात करते हैं। देखें आप, सबसे पहली बात, जो भी आपके रिसर्च के अंदर पार्टिसिपेंट्स हैं, सपोज मैंने डाटा कलेक्शन करना है, तो अगेन आई नीड सम ऑडियंस जिनसे मैं डाटा फिल करवाऊंगा, रिस्पॉन्सेज लूंगा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहली बात आप उनसे लेंगे कंसेंट, इन्फॉर्म कंसेंट। आप बताएंगे, कभी आप देखना जब भी हम रिसर्च में क्वेश्चनर बनाते हैं ना, तो क्वेश्चनर को स्टार्ट करने के पहले ऊपर एक स्टार्टिंग पैराग्राफ होता है जिसमें हम ये लिखते हैं एज ए रिसर्चर कि सर मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ, ये मेरा टॉपिक है, ये मेरी यूनिवर्सिटी है, मैं इस काम के लिए रिसर्च कर रहा हूँ, मेरा जो डाटा कलेक्शन का मोटिव है वो किसी भी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है, आपकी प्राइवेसी मैं सिक्योर रखूंगा, ठीक है। और अगर हमारा जिससे हम कलेक्शन कर रहे हैं रिस्पोंडेंट हमारा कंसेंट देता है, सहमति देता है, तभी हम उसे डाटा लेंगे। इफ ही और शी रिफ्यूजेस टू रिप्लाई, नो नीड टू गो, फिर आप उसको बार बार टॉर्चर नहीं कर सकते, आप उसको अप्लाई इंसिस्ट नहीं कर सकते, बल्कि मैं कहना चाहूंगा तो हमें क्या करना चाहिए, पहले उसकी कंसेंट लेनी चाहिए। उसके बाद मिनिमाइज द रिस्क ऑफ हार्म टू पार्टिसिपेंट्स। ऐसा ना हो कि आपकी रिसर्च के अंदर जो भी पार्टिसिपेंट्स पार्ट कर रहे हैं उनको किसी तरीके का हार्म हो। हार्म हो सकता है क्योंकि मॉरली कह लो या सोशली कह लो, है ना, कुछ कई बार ऐसी रिसर्च होती है जो सोसाइटी में हर जगह एक्सेप्टेबल नहीं होती, तो हम नहीं चाहेंगे हमारी पार्टिसिपेंट्स को किसी तरह का नुकसान हो, फाइन। उसके अलावा एक और तरीका है इस चीज को सही करने का, वो ये कि आप प्रॉपर कॉन्फिडेंशियल,
या यूं कह लें एनोनिमिटी। अक्सर आपने देखा होगा जब हम रिसर्च क्वेश्चनर बनाते हैं तो हम रिस्पोंडेंट का नेम नहीं पूछते, ठीक है। एनोनिमिटी को फॉलो करने का मतलब है कि हम उसका नाम नहीं लिखेंगे, ना ही छापेंगे, हम पूरा कॉन्फिडेंशियल रहेंगे उसके द्वारा दिए गए डाटा को। उसके अलावा ऐसी कोई भी प्रैक्टिस नहीं करनी जो किसी भी तरीके के फ्रॉड की या चीटिंग की इंटेंशन से हो, डिसेप्टिव नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई भी प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है, चाहे वो डाटा कलेक्शन है, चाहे सपोज किसी की हम अगर दिए गए रिसर्च पेपर को यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसकी एक्नॉलेजमेंट करनी चाहिए, उसका नाम रेफरेंस पे लिखना चाहिए, चीटिंग नहीं होनी चाहिए किसी तरीके से, ठीक है। और उसके अलावा एक और लास्ट है, गिव पार्टिसिपेंट्स अ राइट टू विदड्रॉ फ्रॉम द योर रिसर्च। आप अपने रिसर्च पार्टिसिपेंट्स को ये राइट देंगे एज एंड व्हेन इफ ही और शी फील्स कि मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता तो हम उसके नाम को वहां से हटा देंगे। तो ये बड़े सिंपल से प्रिंसिपल हैं। जो मेन बात है वो तीनों अप्रोचेस आपको पता होनी चाहिए जो मैंने बता दी है। तो आज आप एथिक्स का टॉपिक ये करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दिया गया उसको प्रेस करें ताकि आने वाले टाइम में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, और एक बार हमारी ऐप जरूर विजिट करें, यू विल फील द डिफरेंस, आपको कुछ डिफरेंस दिखेगा। और साथ में एक टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, उस चैनल को भी आप ज्वाइन करें ताकि आपको सभी एनटी नेट के अपडेट आपको मिलते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।